नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कोमल। बिहार यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर है, जहां तमिलनाडु पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मनीष कश्यप ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया है जो इस कांड में शामिल है, जो तमिलनाडु में बिहारियों पर जो पिटाई का फेक वीडियो वायरल हुआ था उसमें कई लोग शामिल थे जिनका मनीष कश्यप ने नाम लिया है। लेकिन जब मनीष कश्यप से पूछा गया तो मनीष कश्यप ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे इन सब मामलों में फंसाया गया है। आपको बता दें, मनीष कश्यप मामले में एक नया अपडेट आया है। मनीष कश्यप के वकील अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले है। मनीष कश्यप पर दो राज्यों से केस दर्ज है, एक तो बिहार में और दूसरा तमिलनाडु में। दोनों राज्यों के पुलिस ने मनीष कश्यप पर केस किया है। आपको बता दें, मनीष कश्यप के वकील अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। मनीष कश्यप के वकील अब चाहते हैं कि मनीष कश्यप पे जितने भी केसेस हैं जो बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है, उनकी सुनवाई पटना के हाई कोर्ट में हो, जिससे मनीष कश्यप को आसानी हो मुकदमा लड़ने में। हम आपको बता दें, मनीष कश्यप के वकील अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी अभी बढ़ी हुई है। वो अभी तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर है। अपनी परेशानियों को कम करने के लिए वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाला है। इसके लिए उसके वकील तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में बिहारियों के पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों ही राज्यों में केस दर्ज है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने उसके खिलाफ कुल 3 एफआईआर दर्ज कर रखी है। इसी तरह तमिलनाडु पुलिस ने अपने यहाँ कुल 13 एफआईआर दर्ज की। इसमें 6 एफआईआर ऐसे हैं जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप सीधे नामजद है। यह बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के कब्जे में था, पर पूछताछ के लिए तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले गई है। ऐसे में दो राज्यों में दर्ज केस को लेकर मनीष को अलग अलग चक्कर लगाना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाएगी। उसके वकील शिवनंदन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु में भी दर्ज मामलों को पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि सारे मामलों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हो,